अस्सलाम वालेकुम, वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स, कैसे आप सब। और आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा, एग ब्रेड पिज़्ज़ा, जो ये बहुत सस्ता पड़ता है एक तो, दूसरा बहुत इजी घर घर में। ये देखे, इसमें मैंने दो अंडों को बीट कर रहा हूँ। दो अंडे बीट करने के बाद मैंने ये देखे, मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया। मैंने ऑयल में अब मैंने इसमें जो अंडा मैंने फेंट के रखा हुआ, फेंटा हुआ बीटा हुआ अंडे को इस तरह डाल देंगे, ऐसे इस तरह। ये थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो ये मैंने उसमें देखे जो बीट अंडा था वो डालेंगे अब इसमें, इस तरीके से देखें। तो ये अंडा मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर जो हमने ब्रेड काट कर रखी है वो हमने इसके ऊपर लगा देनी है, ऐसे ऐसे पूरा फ्राई पैन देखे भर गया माशाल्लाह, इस तरह ये खूबसूरत भी लग रहा है। अब ये थोड़ा सा जब पक जाएगा तो मैं इसकी साइड बगैर किसी सपोर्ट के थोड़ा सा इसको हल्का सा झटका दिया और ये देखे चेंज हो गया है, साइड चेंज हो गई है ये देखे, और नीचे से ये हमारा पक चुका है। अब इसके ऊपर मैंने ये देखे साइड पर थोड़ा सा ऑयल लगाया है और इसके ऊपर मैंने अब चीज़ लगाऊंगा मैं, तो चीज़ मैं इसमें जो लगा रहा हूँ ये चादर चीज़ इसको बोलते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको घर में ट्राई करें और ये बड़ा मज़े का और बड़ा ज़बरदस्त बनेगा, ये चार लोग आराम से इसको खा सकते हैं। तो यकीनन इस रेसिपी को आपने बनाना है और यकीनन आपको पसंद आएगा। ये मैं चीज़ ऊपर लगा रहा हूँ, ये देखें इस तरह, ये देखें ऐसे चीज़ फैलाने के बाद मैंने शिमला मिर्च और टमाटर के सब्जी जो मैंने जो पीस काटे थे वो ऊपर लगा दिए हैं, और देखिए इसकी शक्ल भी कितनी खूबसूरत प्यारी बन गई है। और इसके ऊपर मैंने फिर जो है ना ब्लैक जो ओलिव है वो भी इसके ऊपर लगाए हैं, वो आपके पास अगर पड़े हैं तो ठीक है, नहीं तो जो है ना भी लगाए। वो बस लोग खाते हैं बस नहीं करते। वाइट पेपर, सॉल्ट, रेड चिली, ये चीज़ें मैं मसाले हल्के हल्के ऊपर लगा रहा हूँ, ये इससे फिर इसके पिज़्ज़े का अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखें ये चीज़ें मैंने ऐसे मसाले लगा दिए हैं। तो अब ये देखें चीज़ इसके ऊपर मैंने थोड़ी और लगानी है ना ऊपर पिज़्ज़े के, बाद में भी लगाते हैं ऐसे ऐसे। ये हल्की हल्की मैंने चीज़ लगा दी ऊपर, चीज़ लगाने के बाद मैंने अब ये देखें इसकी खूबसूरत लग रही है, ब्लैक ओलिव मैं लगा रहा हूँ इस पर। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो ये देखें कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है, यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और ये देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। अब ये देखें मैंने इसको उठाया और कितने लंबे लंबे धागे बन गए हैं माशाल्लाह, ज़रूर आप ट्राई करें। थैंक्स फॉर